वीडियो में आपको बताया जाएगा कि योनो SBI ऐप्स में पासवर्ड जो होता है कैसे चेंज किया जाता है, यानी कि रीसेट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा जरूर और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है योनो SBI ऐप्स को जो है ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद चाहे आप MPIN से लॉगिन कर सकते हैं, चाहे यूजर ID से भी, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यूजर नेम आप भूल चुके हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से वीडियो देख के निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम यूजर नेम और अपना पासवर्ड दे देते हैं। तो दोस्तों यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद आप जो है लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है योनो SBI ऐप्स का जो है होम पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों वहां से आप बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज कर पाएंगे अपने पासवर्ड को, यानी कि रिसेट कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम ये जो आप देख रहे हैं ये होम पेज है, तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बोला जाएगा सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्विस रिक्वेस्ट पे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पे नीचे में जो है देखिए रिसेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड को बदलना है यानी कि रिसेट करना है, नया बनाना है, तो इसको जो है आप इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, रिसेट प्रोफाइल पासवर्ड पे। तो जैसे ही आप रिसेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड देने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भूल चुके हैं इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख के आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड यहां पे दे देते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे नीचे में सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से जो है अपना पासवर्ड को रिसेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर योर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड, री इंटर योर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड। तो यहाँ पर जो ऊपर में देंगे वही नीचे में भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 8 से 20 करेक्टर का, यानी 8 से 20 करेक्टर का आपको जो है पासवर्ड बनाना है। उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेट में भी आपको पासवर्ड देना है, और यानी कि मजबूत बनाना है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, ताकि कोई नॉर्मल सा पासवर्ड मत बनाइए, चाहे नाम पे मत रखिए, चाहे किसी के डेट ऑफ बर्थ पे मत रखिए, एकदम अच्छे से मजबूत से पासवर्ड बनाइए। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है इंटर कर देते हैं जो हम मन में सोचे हैं। अपना पासवर्ड जो है दे चुके हैं, तो यहाँ पे भी आप इंटर योर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड पे जो आपको देना है अपने मन से वो दीजिएगा, नीचे में भी सेम दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मैच हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर आपको एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करना है। चलिए हम दे देते हैं OTP। तो दोस्तों OTP आने के बाद आपको जो है OTP देने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो पे मेरा जो है पासवर्ड रिसेट हो चुका है, कि यानी कि सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से जो है आप अपना नया पासवर्ड भी बना सकते हैं, यानी कि रिसेट भी कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।